गुड मॉर्निंग ऑल, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कॉलम का शटरिंग कैसा होता है। हमने यहाँ पे टायर रॉड वाला सिस्टम किया है। टायर रॉड वाला दो तीन टाइप का ये रहता है, कॉलम का शटरिंग रहता है। कॉलम की लंबाई ज़्यादा इसलिए हमने इसको टायर रॉड में ये किया है, सिस्टम किया है। तो 1500x250 थिकनेस का कॉलम है। अब 250x1500 का कॉलम है। तो यहाँ पे हमने देख सकते हो आपकी ये सी चैनल है। ये सी चैनल जो है हमारा, ये सी चैनल का जो लेंथ है वो 3 इंच है और इसका जो थिकनेस है 3 से 4 mm है। हमने क्या किया है, 2 सी चैनल वेल्ड किए और बीच में हमने इसको ये पिन से इसको वेल्ड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको पिन है, ठीक है, ये पिन से वेल्ड किया है। ये सी चैनल है, 2 सी चैनल हम लोगों ने वेल्ड करवा दिया है और इसकी जो थिक बीच वाला जो रॉड है इसको टायर रॉड कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टायर रॉड है, ठीक है, और ये टायर रॉड से ये इसे एंकरिंग क्लिप से इसको एंकरिंग नट कहा जाता है। एंकरिंग नट से इसको यहाँ पे हमने इसको टाइट किया है। एंकरिंग स्क्रू बोला जाता है, रॉड बोला जाता है, जो है उसके हिसाब से हमने इसको टाइट किया, ठीक है। इसके बाद में ये प्लाई है, प्लाई के बाद में ये पट्टी लगाया है। 1 इंच x 3 इंच का पट्टी है। ये पट्टी का जो सेंटर सेंसर है कम से कम 6 से 8 इंच का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये पट्टी लगाया है, ये प्लाई है। उसके बाद में ये सी चैनल है, के बाद में ये एंकर रॉड है, एंकर क्लिप है। उसके बाद में यहाँ पे इसको प्रॉपरली सपोर्ट किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे सिकंजा मारा है। ये जो कॉलम का साइड है वो बाहर नहीं निकल ना पाए, इसलिए ये सिकंजे से उसको टाइट किया है। यहाँ पे भी एक पिन खेला मारा जाता है बीम के साइड से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्रॉस सपोर्ट में प्रॉप्स लगाया है कि प्रॉप से वो चारों तरफ से उसका प्रॉपरली फिक्स हो जाए। देख सकते हो आपको ये प्रॉपरली कैसा फिक्स हुआ है। उसके अंदर ये मेरा साइड है, ये पट्टी है और इसके अंदर ये इसको फिक्स किया गया है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये ऊपर में भी ये प्रॉप्स क्रॉस सपोर्ट के लिए डाला है उसने, कि जाने को जैसे भी वो लंबा में या प्लम हो तो प्लम के हिसाब से इसको प्रॉपरली यहाँ से 1-2 mm इधर टॉलरेंस के लिए ये प्रॉप्स हम लोग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी आपको सब मैं यहाँ पे एंकर रोड वाला सिस्टम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी हमने एक ऊपर भी एक सी चैनल वाला लिया है। एक बड़ा सी चैनल है, बड़ा कॉलम है, इसलिए हमने इसको बड़ा 100 का चैनल लगाया है। 100 चैनल को सिर्फ वर्टिकल में किया। अभी हमने हॉरिजेंटल एंकर इसका टायर रॉड का सिस्टम देखा। अभी मैं वर्टिकल दिखा दे रहा हूँ आपको। ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल 100 mm का है। 100 mm ने हमें वहाँ पे ऊपर में सपोर्ट किया है और नीचे में सपोर्ट किया है, ठीक है। और ये जो है इसको ओलंबा कहा जाता है। साइड पे ओलंबा चेक होता है। अभी ओलंबा कैसे चेक होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम यहाँ पे ओलंबा चेक किया जाता है। अगर ये ओलंबा चेक ऐसा किया जाता है साइड पे, ये अगर यहाँ पे 220 है तो नीचे भी 220 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये तो आप देख सकते हैं, ये ऊपर नीचे 220 है तो इसका ओलंबा इसके हिसाब से चेक किया जाता है। जनरली कॉलम चेक करने से कॉलम की साइज, थिकनेस, लाइन लेवल चेक किया जाता है, उसका सपोर्टिंग चेक किया जाता है। उसके बाद में इसको स्टार्टर कहा जाता है। स्टार्टर आप देख सकते हैं, इसको स्टार्टर है। जब हम लोग पहले कॉलम करने ये स्टार्टर किया जाता है। ये प्रॉपर स्टार्टर इसके हिसाब से होता है। स्टार्टर पहले कायम किया जाता है, उसके ऊपर फिर कॉलम कायम किया जाता है। देख सकते हो अपन कि कॉलम का कैसा शटरिंग किया जाता है ऑन साइड पे। वहाँ पे भी हमने कॉलम का शटरिंग किया है। चलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा देख लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।